अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ जैम बिस्किट्स। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप के पास है आइसिंग शुगर, 1 कप मैं सॉफ्ट बटर, 2 एग व्हाइट्स, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 कप एंड 2 टेबलस्पून फ्लोर। चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं बटर डालूंगी और शुगर डाल के बीट करना स्टार्ट करती हूँ। चले, इसमें मैंने बटर डाल दिया, आइसिंग शुगर, इन दोनों को बीट करूंगी। चलिए, बटर और शुगर इस फॉर्म में आ गया। अब मैं इसमें एग वाइट डाल रही हूं। और वनीला एसेंस 1 टीस्पून डाल रही हूं। अब इनको दोबारा बीट करूंगी। चलें, ये इस तरह से एग डालने के बाद इस तरह का इसका टेक्सचर आया है। अब मैं इसी में मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और इसी में फ्लोर जाएगा मैदा। आप लोग चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, मैं इसी में मिक्स करूँगी। मिक्स कर लिया है। ये देखें, ये थोड़ा सा हार्ड होगा। अब इसे मैं पाइपिंग बैग में डालूंगी, फिर इसके बिस्किट्स बनाऊंगी। जैम लिया था, उसको 30 सेकेंड माइक्रोवेव में गर्म किया था। ड्रॉप रेड कलर का डाला है, ये देखें। चलिए, मैं पाइपिंग बैग में आपको डाल के फिर दिखाती हूँ। चलिए, ये मैंने अपना मटेरियल पाइपिंग बैग में डाल लिया। मैंने ये हार्ड वाला पाइपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ। आप लोग कपड़े वाला यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने पाइपिंग बैग को डबल कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड होता है तो इसके निकलना जाए, इसलिए मैं हार्ड वाला यूज़ कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप नोज़ल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 एम यूज़ कर रही हूँ, स्टार नोज़ल या जो भी आपको पसंद हो, आप लोग कोई भी नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। आप लोग किसी भी शेप में बना सकते हैं। चलिए, ये मैं सारे कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये इस शेप में मैंने बिस्किट्स बना ली हैं। अब मैं किसी भी राउंड थिंग से, आप लोग या फिंगर की मदद से इसको सेंटर से इस तरह करेंगे। इसके अंदर जैम लगाऊंगी। चलें, ये सब पे मैंने जैम लगा लिया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए 170 पे बेक करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलें, ये बेक होके आ गई हैं। इनको मैंने 20 मिनट्स तक बेक किया है 170 पे। ये देखिए, अभी ये गर्म है, इस तरह इनका नीचे से कलर आया है। अब मैं इनको इसी ट्रे में ठंडा करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में निकाल। चलिए, ये रेडी होके आ चुके हैं बिस्किट्स। अभी मैं इन्हें रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूंगी और थोड़ी देर में ये हार्ड हो जाएंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा।